ओ तेरी की, आज सुबह तो लग रहा था हो गया बाजार का बंटाधार, और अब भी लोगों को लग रहा है सर कुछ हो सकता है, सर कुछ बड़ा होने वाला है, सर बाजार गिर जाएगा, सर 23,000। आप सच बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है बाजार गिर के अब 23,000 पे आएगा? फटाफट कमेंट में लिख डालिए। अब बात यह है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैंने आज की वीडियो में बताया विद डिस्क्लेमर कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ। हालांकि मेरा फेवरेट स्टॉक, बड़ा खतरनाक स्टॉक, उसमें मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली, थोड़ी बहुत पोजीशन काट दी, और एक गाना उस स्टॉक को समर्पित है। आप गैस करिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। पर फिर बोल दूँ भैया, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, स्टॉक बड़ा खतरनाक और वोलाटाइल है। फटाफट कमेंट में लिख दीजिए किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और गाना उसके प्रति जो समर्पित है वही है, धन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं। भैया यही प्रॉफिट दे के जाता है। हालांकि इस बार एक्सपायरी पे साले ने धोखा दे दिया था, बड़ा भारी मैडम से डांट सुननी पड़ी। पर एनीवे, उस सबको कवर करेंगे, यही धंधा, यही मंदा, डरने की बात नहीं है। बताइए मैं किसकी बात करूँ, क्लिक डालिए कमेंट में, डार्लिंग मज़ारे कमेंट भरता हूँ। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके द डॉग्स और इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप? कहते ना, वो जब मार गिराए बुरा ही गिराए, हमारे आंसुओं को भी इतना निकलवाए, रोते रोते हम तो बस आंसू बहाए। आज ये हाल था उन ट्रेडर्स का जिनको अंधी तेजी नजर आ रही थी। बाजार जिस तरह से गिरा शुरुआती दौर में, सुबह तो वो कांप रहे थे, ऐसे पत्ते की तरह फड़फड़ा रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार जो अमेरिकी बाजार है कल बहुत ज़्यादा गिर गया था, कहते हैं वाट लगा दी। आप पहले मैं थोड़ा अमेरिकी बाजार के दर्शन करा दूँ ताकि आपका मन जो है शांत हो जाए। मैं थोड़ी देर पहले देखा था सारे अमेरिकी बाजार हरे थे, चारों इंडाइसेस, अब साला एक ही हरा है, डाउ जोन्स 0.16, बाकी सब लाल हो चुके हैं, यानी खतरा अभी भी है। आपका कैनेडा 0.2% बढ़ा हुआ है, ब्राज़ील का बोर्सा 0.25%, और बाकी पूरा का पूरा यूरोप लगी हुई है जी, लंका यूरोप के सारे हरे में, सिर्फ रशिया जो है वो 3.25% चढ़ा हुआ है, और बत्ती जो लगी आज लगी जापान की 4.25% से ज़्यादा, 4.5 ही कह लो, गिर कर बंद हुआ, और आपका सियोल भी 3.25% के करीब। तो अब चक्कर क्या है भाई, जापान में तो उनको मंदी नज़र आ रही है, वो तो कह रहे हैं और ब्याज बढ़ा देंगे, तो मंदी नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रहा है भगवान जाने, कह रहे हैं और ब्याज बढ़ा देंगे। अब अगर वो और बड़ा ब्याज बढ़ा देंगे तो जो कैरिंग कैरिंग ट्रेड्स हैं उनकी मुसीबत हो जाएगी, फिर लोग सारे जिन्होंने मतलब येन में पैसा लेके, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़ीरो था, और जगह लगा दिया, अब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो वो शेयर बेच के येन के लोन उतार रहे हैं, अब अगर और बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा येन, तो लेन के येन और उतारेंगे, तो यानी ये सिलसिला चिंता पैदा करता है। अमरीकी बाज़ारों में कुछ आंकड़े बढ़िया नहीं आए, जिसके करके कल अमरीकी बाज़ार गिर गया, आज रिकवरी लग रही थी लेकिन लग गई, लेकिन सब में एक सिल्वर लाइनिंग है। देखो दे बुरा देखने जो मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल आप आँखों जा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, तो यहाँ थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, बुरा जो चारों तरफ हुआ, पर जब मैंने खुद को देखा तो मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, यानी टचवुड, प्रभु का आशीर्वाद है, आज हमारे बाज़ारों में ज़्यादा लगी ही नहीं, क्यों गिरे ही नहीं साले खास, जितना सुबह गिरे थे सारे उन्होंने जाते जाते रिकवरी कर ली। ये एक बात का इंडिकेशन है, वो ये कि बाज़ार में तेज़ी है। फिर मैंने कुछ शेयरों पे मेरी खास अपनी जो ईगल वाली निगाह है ना, अपना ईगल बैठा है, गॉन आर बुल्स गॉन आर बेयर्स, ईगल इज़ द विनर, लेट्स बी क्लियर। हाय ईगल, ये ईगल लगा रखी है, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने कुछ शेयरों पर आज नज़रें गाड़ी थी और मैंने उसमें कुछ लॉन्ग भी किए, वो शेयर मुझे लग रहा है यार गिरे ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर कोई बड़ी गिरावट आएगी तो वो भागेंगे। तो मैं सोचता हूँ ऐसे शेयरों में हमें, मतलब मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, देखो तो मेरी कोई तरफ से कभी पता ही आपको, मैं कोई एडवाइस तो देता नहीं, जिसने ली टिप उसकी डिप, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, तो वैसे मैं कंपनी का नाम बता ही नहीं रहा आपको, मैं तो जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। तो उन शेयरों में मैंने आज भी लॉन्ग करी और मैं आने वाले वक्त भी लॉन्ग करूँगा। एक शेयर मेरे रडार पे है जिस पे इस बड़ा मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है, पहले एक शेयर बताओ, आज तो उसका कोटा पूरा हो गया। तो यार मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बाज़ार में बस ये एक बार बाज़ार 26 काट दे, मेरी कॉलिंग दमनी हो जाएंगी निफ्टी की, मैं थोड़ा माल और काट लूँगा,
फिर मुझे ना काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो अब 26 काटने पे आज थोड़ा सा लग रहा था अंकुश लग जाएगा, आज लोगों सबको लग रहा था आज बाजार ना 25 के नीचे आ जाएगा, पर आया नहीं। तो अब ये हमारे बाजार की ताकत है। अब हमारे भी कुछ डेटा इतने बढ़िया नहीं है, का जगह डेटा थोड़े से नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे GDP ग्रोथ रेट इस महीने का अच्छा नहीं आया। तो पहले आप थोड़ा सा देखते हैं कि बाजारों में आज क्या रहा, पहले अपने तो ये मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो बता दिया। हमारे बाजार में जो अगर आप देखोगे ना सारा दिन का ट्रेंड तो वो पॉजिटिव है। देखो आप ये देखो, यानी बाजारों ने गैप डाउन ओपनिंग दी पर ट्रेंड देखो सारा दिन का पॉजिटिव है। यानी बाजार सुबह ढंडे खुले लेकिन फिर बढ़ गए। अब बाजार का देखो 18 शेयर बढ़े हुए थे, 31 गिरे हुए थे। अब हम चीज़ को समझते हैं, कल बाजार बंद हुआ 25,280 के लपेटे में, आज बाजार खुला 25,090 के लपेटे में। अब कल को और आज को अगर आप कंपेयर कर दो 190 पॉइंट जो है बाजार डाउन करके खुलता है लगभग, देखना 190 बनता है ना। हाँ डाउन खुला। अब डाउन खुलने के बाद बाजार थोड़ा सा और नीचे गया और 25,083 का उसने बॉटम बनाया, यानी जहाँ खुला था उससे थोड़ा सा नीचे आके बॉटम बना लिया शुरुआती दौर में। फिर आप देखो ट्रेंड लाइन, सारा दिन बाजार चढ़ा और आखिरी चरणों में 25,216 का पीक लगाकर 25,200 के नीचे सिर्फ 81 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। तो भाई मुझे तो अपने बाजार में ताकत नजर आ रही है, और ये हाल तब है जब FIs ने माल बेचा है। तो मुझे तो अपने बाजारों में ताकत नजर आ रही है, और मैं तो मान के चलता हूं अपने बाजार स्ट्रांग है। देखो चार्ट पे देखो कितनी जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी है। मेरा यह मानना है करेक्शन पूरा हो गया, मेरा यह मानना है, और मेरा मानना जो है ना वो तेल लेने चला जाएगा अगर ऑपरेटर की इरादे बदल जाएंगे। तो एक ऑपरेटर ही ऐसा है जो हमारे सारे मानने ना मानने पर पानी फेर देता है। तो वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि बाजार आज स्ट्रांग हो गया है, आज की गिरावट और कल की गिरावट दोनों ने मिलाकर एक करेक्शन जो करना था वो कर डाला है। अब बाजार को अपनी यात्रा ऊपर की रिज्यूम करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और मेरी बाजार से प्रार्थना है कि भैया कल ऊपर चलियो, अपने को ज़्यादा पंगाबाजी में पड़ना नहीं है, आप ऊपर आ जाओ, बहुत हो गया। दो दिन से MACD चार्ट पर लाल हिस्टोग्राम बन रहा है, RSI डिप कर गया, 70 आने वाला था अब वो डिप करके 66 आ गया। तो वैसे देखा जाए तो ये हल्का है भाई, ओवरबॉट वाली कंडीशन खत्म हो गई। अब अगर आज अमरीकी बाजार न्यूट्रल बंद होते हैं, यानी आज अमरीकी बाजारों में ज़्यादा गिरावट नहीं आती है, जैसे अभी तो हरे थे फिर गिर गए, अब तो शाम तक पता चलेगा, सुबह उठ के देखेंगे सोने जाएंगे अभी तो अगर वो हरे में बंद होते हैं अमरीकी बाजार तो कल तो बाजार फुर्तीला हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। पर मेरे मानना तेल लेने जाएगा अगर ऑपरेटर मानेगा नहीं। बाकी चार्ट पे कोई कमी नहीं है, कैंडल अपने आप में बहुत बढ़िया है, उसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है, और वो ये दिखा रही है कि जो दो दिन में गिरावट थी वो कब ख़त्म हो गई है। मूविंग एवरेज पे कैंडल सही है, सारा का सारा टेक्निकल किसी से भी पूछोगे टेक्निकल एनालिस्ट यही कहेगा बाजार में अभी मजबूती सही बनी हुई है। तो भाई मेरा ये मानना है बाजार मजबूत है, और हो सकता है कल बड़ी तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, कल पहले बाजार हो सकता है। अगर अभी अब मेरे को जो लगता है अगर आज अमरीकी बाजार ढीले बंद होते हैं तो कल सुबह ढीला खोलेंगे काफ़ी नीचे, और फिर साले को एकदम खींच देंगे, सबकी लगा देंगे लंका। और अगर आज अमरीकी बाजार तेज़ बंद होते हैं तो कल हो सकता है ऊपर खोले एकदम काफ़ी ऊपर, और फिर सारा दिन नीचे नीचे करते रहे, मतलब सुबह सबकी लंका लगा के नीचे करके फिर जो होगा परसों देखेंगे। तो ये मेरा विचार है। तो निफ्टी पे तो मुझे ये बातें नज़र आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं, फियर हल्का सा सबसाइड ही हुआ है, जो अभी इंडेक्स कल हाईएस्ट बना था रिसेंट हाई का हो गया 46.83 का, हल्का सा उससे डाउन हुआ है। तो कोई मार्केट मूड में खास चेंज नहीं है। अब ये वाले सारे फैक्टर्स तो देखो बेटर ही है। आप अगर देखो क्या चीज़ इसमें ख़राब है, मुझे बताओ क्या ख़राब है। ये और बेटर हो गया, हल्का सा गिरा ही है, रिसेंट लोज पे आ गया ये US डॉलर इंडेक्स। फिर क्रूड ऑयल भी रिसेंट लोज पे आ गया, देख लो आप 73.19 आपको कब नज़र आ रहा है इस चार्ट में, 73.19 2024 के चार्ट में नज़र ही नहीं आया। मैडम सारे बॉटम रिकॉर्ड करती हूँ ना, इसका मतलब 2024 के लोएस्ट पे है क्रूड। आपको मेरी बातें समझ भी आती हैं कमेंट में लिखो, कुछ समझ आ रहा है। क्रूड सस्ता मतलब हम बड़े बढ़िया सिचुएशन पे खड़े हैं, बस दिक्कत क्या है रुपया साला महंगा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव। और आज तो 10-year ट्रेजरी यील्ड भी काफ़ी गिरी है,
3.8 के नीचे आ गई है। ये एक लेवल बनाया था इसने 26 अगस्त को, फिर वहीं आ गई, और एक लेवल बनाया था 5 अगस्त, अब फिर वहीं आई। तो यार मुझे तो सब अच्छा लग रहा है, अब बाकी देखो यार मेरा तो, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो अच्छा ही लगता है यार। मैं तो यार पॉजिटिव थिंकर हूँ, हालांकि मैं आई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। मैं सोचता हूँ तैयारी खतरनाक समय की करके चलो और बढ़िया होगा। आज जो है किसी की बैंड बजी ना बजी हो, FIs की बज गई है लगता है। हालांकि कैश सेगमेंट में सालों ने खरीदारी की है और थोड़ी सी खरीदारी DIs ने भी करी है, कुल मजाल के 1000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी है, पर इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर बेच गए। और फिर जो कल जितनी बड़ी खरीदारी की थी नेट, आज लगभग उतनी कमी है बिकवाली करके, कल का जो मामला था वो सारा टाइम फेस हो गया। अब ये तो 68.39 पे आ गया और ये जो है 58.37 पे आ रहा हूँ। बाकी देखो मेरा मानना है अब की बार FIs की लॉन्ग 60 के पार जाएगी, मेरा मानना है, पर मैं फिर बोल देता हूँ मेरा मानना तेल लेने जाएगा अगर FIs को जचेगा नहीं, वो कह साले हम तो नहीं जाएंगे, मनोज जी ने कह दिया अब नहीं गिरेंगे, अब नहीं बढ़ेंगे, अब गिरेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। मैं तो अपनी उम्मीद ही बता रहा हूँ, मुझे लगता है 60 के पार जाना चाहिए। अब देखो 100 इंडाइसिस की लाइन लगी हुई है, एक नेक्स्ट निफ्टी 50 है जो फ्लैट बंद हुए, बाकी सब गिरे हुए। अच्छा गिरावट ज़्यादा नहीं है, आप देखो स्मॉल कैप की बात करो क्या गिरे है, कुछ गिरे ही नहीं स्मॉल कैप, क्योंकि पहले गिर गए थे, आज क्या गिरते। मिड कैप पे आ जाओ, क्या गिरा है मिड कैप, गिरा है, गिरा ही नहीं कुछ। जो थोड़ा बहुत गिरा है वो आपका निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 गिरा, बाकी सब हल्के हो गए। हालांकि इंडिया विक्स फिर बढ़ गया है काफ़ी, 14.5 किलोमीटर में आ गए, ये बात तो है। तो ये सारी कहानी आप देखिए। तो भाग कौन रहा था, बायोकॉन, जिसको कहते हैं रिजल्ट ख़राब है, बेकार कंपनी है। इसके पिछले राउंड में मैंने काफ़ी सारे शेयर बेच दिए थे यार, पैसे की जरूरत थी, इसकी मैंने पुट्टे बेची थी, सारी OTM होगी, वो पैसे घर आ गए, पर ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बर्जर पेंट, ग्रैनुल्स, ये अब इस वक्त भाग रहे। और गिरने वालों में सबसे ज़्यादा RBL बैंक लग गई, लंका, फेडरल बैंक, विप्रो, कोल इंडिया, इनकी बत्ती लगी हुई थी आज। क्या बोले यार। अच्छा अब आओ टॉप 7। एशियन पेंट फुल टॉस तेज था, मेरे पास 5 शेयर थे, मैंने बेच दिए, मैंने उसका शायद प्रॉफिट भी नहीं कैलकुलेट किया, वो 5 शेयर में क्या बचना है, 500-700 रुपये बचे होंगे, वो पिछले बार बेचने थे रह गए थे, मैंने घटाओ। अब मेरे पास एशियन पेंट 0 है, ग्रासीम, HUL, अपोलो, सन फार्मा, अल्ट्राटेक और हीरो मोटर को। हीरो मोटर को आपके नतीजे ख़राब थे तब से तेज हो गया, ये सबसे ज़्यादा गिरा विप्रो, फिर कोल इंडिया, फिर ONGC में वाट लग गई है, फिर हिंडालको, फिर M&M, फिर LTIMindtree और एक्सिस बैंक, इन सब की बत्ती लगती। अब इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, अब ऑप्शन चेन एनालिसिस पर, कितना खतरनाक काम हुआ, कितना गुंडागर्दी हुई आज। लेकिन अगर आप देखोगे मैक्सिमम पेन अभी भी 25,300 पे है, वो और बढ़ गया, बढ़ा क्यों, कॉल राइटर्स यहाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो गए और पुट राइटर्स यहाँ घट गए। तो अब ये 25-2300 का लेवल है, एक मंथ वीकली एक्सपायरी, कल कटना चाहिए साला बुरी तरह से, मुझे लगता है कल 25-300 बुरी तरह से कटेगा, इन सबको नंगा करके बाद में इनका टारगेट बनाएगा ऑपरेटर, ऐसा मेरा मानना है। पर मेरा मानना तेल लेने गया अगर ऑपरेटर को नहीं जचा। मैं यार आइडिया ही दे सकता हूँ, मैं गारंटियाँ थोड़ी दे सकता हूँ, क्योंकि अगर बाजार भागता है तो ये भी मरेंगे, ये भी मरेंगे, ये भी। मुझे लगता है आज PCR जो है ना बहुत नीचे होगा, देखना PCR, देखो 0.83 आ गया, मैंने क्या कहा था इस राउंड का लोएस्ट आ गया, हालांकि मंथली वाला तेज हो गया, बिल्कुल रॉकेट 1.62। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है बाजार फुल टॉस गर्म है। तो भैया यही डेटा 25,000 के लेवल पे अगर आप देखोगे, कॉल राइटिंग हल्की सी बढ़ी है, पुट राइटिंग तो ऐसी बढ़ी जैसे पता नहीं क्या हो गया, हम नहीं टूटेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम पेन भी हाईएस्ट। तो यार देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा कोई गारंटी नहीं है, कोई मैं ये मान के चलता हूँ शेयर बाजार में बड़े बड़े धुरंधर गलत हो जाते हैं तो मैं चीज़ ही क्या हूँ, पर मुझे बाजार तेज लगता है, सीधी सी बात। यार जिसमें 2 शेयर बड़े हुए थे, 9 गिरे हुए थे और 1 स्टैटिक था। अब इसकी कहानी सुनिए, कल 51,690 के लपेटे में बंद हुआ, आज खुलता है 51,364 पर, लगभग 300 पॉइंट डाउन खुलता है बाजार। फिर इसका भी देखो, अगर आप चार्ट देखोगे ना, देखोगे देखो बिल्कुल, हालांकि बाद में थोड़ा ढीला पड़ गया, पर अगर आप चार्ट को देखोगे तो कहीं ना कहीं अपवर्ड ही है, हालांकि बाद में थोड़ा ढीला पड़ गया।
तो बॉटम शुरू के दौरान यहाँ बनाया 51,259 का, पीक यहाँ बनाया, देखिए यार ये एरो बनाना नहीं आता, एरो क्यों नहीं बनाना आता यार, एरो बता दो यार, तुम लोग कमेंट में नहीं लिखते हो एरो कैसे बनता है। ये कर्व बनाना तो आ गया, लाइन बनाना तो आ गई है। अच्छा इधर के लगभग यहाँ पर इसने ना, यहाँ पर इसने 51,503 का पीक बनाया था। अब इसमें देखो, अब HDFC बैंक जिसका मैक्सिमम वेट है, इसने बाजार को संभाला, साथ में कोटक महिंद्रा ने साथ दिया, गिरा नहीं, यही स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़ा हुआ था। इसकी न्यूज़ थी, ये कह रहा थी मुझे स्मॉल फाइनेंस नहीं है, मैं लार्ज हो गया हूँ, स्मॉल फाइनेंस का टैग हटवाना है, RBI को अप्लाई किया। अच्छा गिर कौन से थे, सबसे ज़्यादा गिरा फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, एक्सिस, ICICI भी आज डाउन था। अच्छा अब इसका देखो चार्ट, अब कुछ नहीं है जी, बड़ी अच्छी तेजी चल रही है, देखिए इसकी भी, ये देखिए अब बहुत बढ़िया तेजी है। तो अब क्या कहोगे इसको, तो ये एरो कैसे बनता है, हाँ बन गया एरो, आ गया, पहले ऐसे करो फिर नीचे करके फिर ऊपर करो, हाँ बन गया, हाँ बन गया, आ गया, देखो एरो बनाना आ गया ना, देखो आ गया जी, देखो एरो बना, थोड़ा दो तीन दिन में सीख जाऊंगा, देख लो आप, धुन आ जाती है, एरो क्यों नहीं बन रहा। मैडम भी हंस रही है, अब तो डिफरेंट तरह के एरो बना सकता, देखो ऐसे करा, ऐसे ले गया, ये देखो नहीं ये नहीं बना यार, ये तो बन रहा है, अबे यार अभी तो बनना शुरू हुआ था, फिर भूल गया यार, फिर बनाऊंगा यार, बाद में बनाऊंगा। मैडम करी आगे बढ़ो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, शाम को चौपाल में बैठे गप्पे लगा रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट क्या करना है। जिस व्यक्ति को लगता है ना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं शाम को इस वक्त, मेरे हिसाब से भैया उसका ब्लड प्रेशर हाई है और उसको बाजार कभी भी लपेट लेगा। आप देखो कितना बाजार गिर जाए कितना चढ़ जाए, मेरे गाने चलते रहते हैं, बजते रहते हैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, भले चढ़े मार्केट जी, भले गिरे मार्केट जी, बजता ही रहा हूँ मैं, यानी हमने गाने गाते रहना है, बजता ही रहना है भैया, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बाजार जो है फुल टॉस, इधर भी गर्म है, हल्की सी गिरावट है कोई, इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, चार्ट में ट्रेंड बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। अब इवन MACD चार्ट देखो ना, अच्छा खासा हल्का सा एक आपका थोड़ा सा वो नेगेटिव हुआ है हल्का सा, तो कोई बात नहीं, और ये थोड़ा सा डाउन हो गया। मैं तो उल्टा कहूँगा बाजार में जो गर्मी बनी थी ना वो थोड़ी ठंडी हो गई है, तो बाजार अभी फुल टॉस गर्म है, बाजार को चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी भाई साहब पानी पीने गया मेरा मानना, अगर बाजार गिरता है तो 51,500 मेरे से कहना नहीं आपने कर दिया। मैं तो देखो आई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया आज भी। तो PCR वीकली वाला देखो 0.86 और ये वाला 1.04 है, देखो ये आपका 0.95 से, देखो ना 0.95 से बढ़ता ये आपका कितना हो गया 1.04, तो अपने आप में अच्छी बात है। अब मैंने लगभग कितने का प्रॉफिट बुक किया मैम, 180 180 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। उसके अलावा मैंने 2 फ्यूचर बाय किए, आज बड़ा काम किया ये, मैंने 4 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजीज आज लगाई हैं, मौके की तलाश में था, 2 मैंने ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 2 एग्रेसिव पुट बेची है, 6 सेफ पुट बेची है, 7 बार स्टॉक्स में खरीदारी की है। देखो टाटा मोटर के मैंने 99 शेयर्स की पुटा स्क्वेयर ऑफ कर डाली झटके से एक ही बार, 9,900 शेयर की, और इसमें 107,580 का मुनाफा हुआ। फिर मुझे लगा यार बाजार कुछ गड़बड़ लग रहा है, फिर मैंने 9,350 की कॉल भी स्क्वेयर ऑफ कर डाली 3 रुपये पे, उसमें भी 72,000 का प्रॉफिट। तो आज का सारा दिन
टाटा मोटर को समर्पित है। तो टाटा मोटर के लिए मेरे पास एक ही प्यारा सा गाना है, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या हो मेरा, मैं तेरे रात दिन गीत गाता रहूं। तो भैया मेरा आपसे निवेदन है कि गाड़ी ले रहे हो तो टाटा मोटर की लीजिएगा, लैंड रोवर जैगुआर लीजिएगा। भाई साहब आपको एक लग्जरी कार लेनी है तो JLR लीजिए, आपको इकोनॉमिक कार लेनी है टाटा मोटर्स की लीजिए, आपको फ्यूल नहीं खर्चना तो टाटा मोटर की EV लीजिए। टाटा मोटर हैज़ गॉट समथिंग फॉर एवरीवन। हालांकि मैंने टाटा मोटर की कार आज तक ले ली, और मेरा विचार है टाटा मोटर अच्छा प्रॉफिट कमवा दे तो वो डिफेंडर लेके आएंगे कि तन, फिर उस पर लिखवा देंगे कर्सी टाटा मोटर। तो भाई देखते हैं टाटा मोटर जो है, हालांकि मैंने आज कॉल और पुट दोनों स्क्वेयर ऑफ करेंगे, क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा था बाजार किस तरफ जाएगा, मुझे लगा सितंबर की पोजीशन हल्की कर लें तो, और मैडम का प्रेशर था। क्या होता है मैडम अपना, मैं बैठा होता हूँ अपना एक्सरसाइज करता हूँ काम करता हूँ, मैडम बीच में प्रॉफिट बुक किया, मैंने कहा यार मौका नहीं मिल रहा, ऐसे कैसे चलेगा सितंबर में प्रॉफिट बुक किया हमने, देखो कोई चीज़ वो हुई, मैं अच्छा देखता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आएंगी, प्रॉफिट बुक किया, मैंने नहीं यार, मैंने कहा यार अब कर ही डालो, देखो आप मैंने कितने बजे किया, आप देखो आपको लगेगा आपको मेरी बात की वैलिडिटी, 3:20 में मतलब बाजार बंद होने वाला है, बाद में मैडम सारा शाम को मेरा दिमाग चार्ज, कल भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, आज भी नहीं कर रहे हो, कर क्या रहे हो, मैंने यार 3:00 मैंने इसको स्क्वेयर ऑफ कर दिया, फिर मुझे लगा थोड़ा प्रॉफिट कम है कल नहीं बुक किया था, फिर ये देखिए आप, फिर मैंने जाते जाते 3:29:05 पे बाजार बंद होने वाला था, उस साले का रेट चल रहा था 2.70 रुपये, मैंने कहा छोड़ मार गोली अब 2.70 रुपये तो आएगा, मैंने सौदा लगाया हुआ था 2.70 रुपये पे, और मैंने कहा मार गोली आ नहीं ना, मैंने साले को 3 रुपये पे स्क्वेयर ऑफ कर दिया, मैंने कहा यार कुछ रीजनेबल प्रॉफिट कमाओ, नहीं तो मैडम ने 10 बार बोल लिया आज नहीं कमाया आपने, आज नहीं कहा आज नहीं। तो भैया मैंने तो मैडम के डर के मारे प्रॉफिट जो है बुक कर डाला। तो भैया ये प्रॉफिट मैंने जरूर बुक किया है, पर ये समझो मत गारंटी है, आपके बच्चे कहते हैं सर आपने लॉस का नहीं करते, अरे भाई लॉस अभी क्यों करूँगा, अभी तो महीना पड़ा है, अभी तो प्रॉफिट वाले सौदे काटूंगा, जब सितंबर एक्सपायरी के नज़दीक आ जाऊँगा, जब लगेगा भैया अब सितंबर ख़त्म होने वाला है तभी तो लॉस के सौदे काटूंगा, शुरू में लॉस के सौदे क्यों काटूंगा, नहीं समझा मेरी बात भाई, एक्सपायरी जब आएगी तो मुझे स्क्वेयर ऑफ ही करना पड़ेगा या रोल ओवर करना पड़ेगा, तब मैं लॉसेज निकालूंगा ना, अभी शुरू में ऐसी ज़्यादा लॉस करता हूँ, लास्ट के हफ्ते के ना 3-4 दिन होते हैं उसमें मैं लॉसेज बुक करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे रोल ओवर करना होता है, अभी खाम का ज़्यादा लेना ना देना लॉस बुक कर दूँगा, अभी तो मैं प्रॉफिट के सौदे खोज रहा होता हूँ, आई बात समझ में। तो ये है सारी कहानी। अब देखो मैं आपको ना डिस्क्लेमर दे दूँ, देखो मैं अपनी तरफ से बड़ा प्रिकॉशन होकर काम करता हूँ, बड़ा फंड्स रिस्क मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट करता हूँ, और यही चीज़ मैं आपको वीडियोस के द्वारा डेमोस के द्वारा समझाता हूँ और सारी स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। तो अगर आप सीखना चाहें, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बहुत कंजर्वेटिव हूँ आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा स्टॉक्स की बात ही नहीं करता, अब जो ट्रेड हो गए होते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, न्यूज़ होती है उसके बारे में बता देता हूँ, पर आपने देखो कभी नहीं मैं कहता तुम ये चीज़ करो वो चीज़ करो, क्योंकि देखो सब आदमी का रिस्क कैपिटेट अपना अपना होता है। तो अगर आप सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 70113300707011323077 पर मेरी टीम को कॉल करिए, या मेंबरशिप सेक्शन में जाके यूट्यूब पे स्टूडेंट बने, और डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया यार क्या कर रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट खुलवाओ, इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट बेताज बादशाह बने।